बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का सूरा। ये शामिल करती हैं आज की अहम खबर, ओलंपियन अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी के आगाज़ में GHQ में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मनीर ने कहा कि ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बासे फख्र है। आर्मी चीफ की जानिब से अरशद नदीम के आज़ाद में GHQ में तकरीब मुनक़द की गई। ISPR के मुताबिक GHQ में मुनक़द तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। इसके अलावा तकरीब में आर्मी पोलो टीम, नबीना अफराद की क्रिकेट टीम, वुमन गोलबॉल टीम के खिलाड़ी भी शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मनीर ने गोल्ड मेडल जीने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी अरशद नदीम की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अरशद के अजम, लगन और बेहतरीन नतायज के हसूल की कोशिशों को सराहा और अरशद नदीम की शुरू से अजीम कामयाबी तक की जदोजहद की भी तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मनीर ने कहा कि ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अजम से ही हासिल हो सकती है। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बायस फख्र है। इस मौका पर उनका कहना था कि न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि नौजवानों की कीमती एहसासों को बाख्तियार बनाने के लिए तावन जारी रखेंगे। मुल्क की खुशहाली के लिए नौजवानों की शमूलियत इंतहाई अहमियत रखती है। अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। चैलेंजेस पर मेहनत और मुस्बत सोच पर काबू पाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। जंगीर खां, सलाउद्दीन शहबाज सीनियर, सोहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और इसामुल हक ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदार, साथी और कोचिज भी मौजूद थे।